सो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सही होंगे, अच्छे होंगे। और देखिए इस समय हमारी बन रही है भिंडी, और भिंडी बनाने के लिए शिवांगी बना रही है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो उसने डाल दिया है तेल, मसाले वाली भिंडी बना रही है, ना बेसन की ना तरकन की, मसाले वाली भिंडी बना रही है। तो भिंडी के लिए उसने प्याज डाल दिए, प्याज थोड़ी बड़ी बड़ी कट करवाई है मैंने। और प्याज को कट करने के बाद देखिए अब ये इसे इस तरह से भुनेगी, और भिंडी काट के रख ली है इसने, वो डालेगी आज। ये बोली कि मैं बनाती हूँ, आप मेरी वीडियो बनाओ सब्जी की, भिंडी बहुत अच्छी बनाती है ये। तो चलिए हो रही है भिंडी तैयार, और आप लोग क्या बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, कभी कभी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए हमारी भिंडी हो रही है तैयार, और भिंडी बनाने के लिए हमने इसमें बस सौंफ, धनिया पिसा हुआ, और हल्दी मिर्ची का प्रयोग किया है। तो इन्होंने हल्दी मिर्ची सौंफ धनिया डाला है इसमें, और कुछ नहीं डाला है। तो ये इस तरह से बन के हो जाएंगे तैयार। मैंने इसको जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, लंबी ना बने वीडियो इसलिए। और ये मसाला भून रही है, इसने मसाले को ना थोड़ा सा निकाल के अलग, और उसमें पानी मिला लिया था फुलाने के लिए, कहती है कि तो ज़्यादा स्वाद बनता है टेस्ट। तो ये मसाला भून रही है, बहुत ज़्यादा मसाला भून गया है इनका। तो आप लोगों को तो हम थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं ना, जिससे कि अगर डिटेल में दिखाएंगे तो मसाले भूनता रहेगा 15-20 मिनट तक। मसाला काफ़ी भूनती है शिवांगी, तो उसके बाद डालती है उसमें सब्ज़ी, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है मसाला जब प्रॉपर भुन जाता है तो। और ये इसमें डालेगी भिंडी, और थोड़ा इसने अब इसमें नमक ऐड कर दिया है। देखिए मसाला जब बिल्कुल तैयार हो गया है तो, और भिंडी अब डालेंगे। और भिंडी डालेंगे ना तो अब इस ये भिंडी बिल्कुल हरी हरी रहेंगी, ये काली काली नहीं होंगी बनने के बाद। तो इस तरह से बना रही है, अब ये इसको मिक्स करके ना ढक के रख देगी, और भिंडी हो जाएंगी तैयार। आप लोग किस तरह से बनाते हैं मुझे बताइएगा। और उसके बाद देखिए, ये सवेरे का समय था तो मैं जल्दी उठ गई थी, तो मैं फिर जीना वीना घर भर धो के ना धुलाई कर देती हूँ जब मैं ज़्यादा जल्दी उठ जाती हूँ। तो उसके बाद मैंने कपड़े भी धो लिए थे, तो मैं कपड़े सुखा रही हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा ये भी शूट कर लेते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए तो कपड़े धोने के बाद बाकी काम होगा। तो कपड़े मैंने धो लिए हैं आज सवेरे ही उठ के, वरना तो शिवांगी धोती है ज़्यादातर, कभी कभी मैं भी धो लेती हूँ, ज़्यादातर वो धोती है। लेकिन ये नहीं है कि सारा काम उसे ही करना है या मुझे ही करना है, दोनों मिल बांट कर लेते हैं। मैं कपड़े सुखाने लगी, अब शिवांगी भी आ गई है तो वो चाय पानी पिएगी। और मन्नू की असल में आजकल क्लासें होती हैं ना, तो उसे उठाने के लिए जल्दी, ताकि वो जल्दी उठ जाए और अपनी क्लास अटेंड कर ले, तो 8 बजे से उसकी क्लासें चालू हो जाती, तो उसे उठा रहे हैं अभी। वैसे काफ़ी सुबह है, तो 7:15 का टाइम है अभी। मन्नू को ना उठाने जा रही है शिवांगी, और सन्नी को भी उठा देगी चाय दे के। थोड़ी देर वो आलस में रहता है ना, फिर नहाता है धोता है, उसके बाद क्लास अटेंड कराते हैं तो देर हो जाती है, फिर इसलिए जल्दी से जाकर अब वो ले आई है इसे। ये गुस्से में आया है, सो रहा था, ये कह रहा था अभी और सोऊंगा। और ये भी जा रहा है नीचे से सब्जी लेने, झोला लेकर। नीचे जो है सब्जी वाला आता है ना, तो मेरे से तो जीना चढ़ाने जाता, यही लेके आते हैं। बस यही डेली रूटीन है हम लोगों का, सवेरे का समय बहुत भागता हुआ होता है, तो जल्दी सारे काम निपटाने पड़ते हैं। ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए ये है मेरी सीयू। सीयू को देखिए आप, सीयू, और मैं कहती हूँ इसको पीयू। इसके लिए शिवांगी ने लहंगा बनाया है रक्षाबंधन को पहनाने के लिए, तो ये पहना के देख रही थी कि इसके सही आएगा या नहीं, तो ये बड़ी नक्शेबाजी में पहन रही है। तो ये देखिए इस तरह से ये पहन रही है, मुंह बना रही है। जब मैंने कहा मैं तेरे फोटो खींचूंगी, तो इधर देख इधर देख ताली बजाई हम लोगों ने, तब ये थोड़ी चुप हुई और फिर दिखाने लगी अपने आप को। इसके सामने नाचने लगो या वो म्यूजिक बजा दो तो हंसने लगती है, फिर खेलने लगती है। ये देखिए मैंने कहा तेरे फोटो खींच लूँ, बड़े आराम से बैठ गई है देखो फोटो खिंचवाने के लिए। तो ये सिया का लहंगा कैसा लगा बताना? कपड़ा तो मेरी पसंद का था, लेकिन इसके अंदर साटन का अस्तर लगाया है ताकि इसके चुभे ना बिल्कुल भी, और इस तरह से बनाया है। और ये देखिए ती जो हमारे यहाँ तो होती नहीं है, तो प्रिया के यहाँ होती है, मैंने उससे कहा था थोड़ी पिक भेजना, तो ये उसने भेजी है। ये पूजा के बाद का सीन है, और ये पूजा करते समय है, गौरी माता की पूजा करते हैं ना, सुहाग लेते हैं उनसे, तो ये सारी प्रक्रिया चल रही है। तो ये प्रिया और प्रिया की नंदें हैं जो पूजा कर रही हैं।
और ये प्रिया की सास हैं। पूजा करने के बाद ये चरण स्पर्श कर रही हैं और ये प्रिया कर रही हैं, तो इनके यहाँ होती है। फिर मैंने इन दोनों का भी कहा फ़ोटो भेजो, ये प्रिया ने फिर फ़ोटो खींच के भेजे हैं इस तरह से। गौरी माता की कैसे पूजा होती है शायद मैं अगली बार आप लोगों को दिखाऊं। जी तो करता है हम लोग भी मनाने लगे, लेकिन हमारे होते नहीं तो हम इसलिए फिर करते नहीं हैं। कभी कोई शुभ काम हो गया तो कर लेंगे। ये हनी है देखिए अपने पापा जी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने आसपास जान पहचान वालों को मेरी वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। और टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा राम राम, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आज मेरी दीदी आने वाली हैं दिल्ली से, तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। आज वो अम्मा को देखने के लिए आ रही हैं, कुछ उनकी तबीयत भी ख़राब है, तो हम लोगों ने कहा आप यहाँ के डॉक्टर को दिखा लो, तो वो इसलिए वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टेक केयर, टाटा राम राम, बाय बाय।